हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपके दोस्त काजोल। लॉस एंजलिस में 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत से साउथ की फिल्म RRR ने जीत हासिल कर ली है। फिल्म के नाटो नाटो सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में विनर घोषित किया गया। इसी के साथ फिल्म को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मिले इस अचीवमेंट पर पूरा देश गर्व कर रहा है। वहीं बॉलीवुड के लेकर साउथ के सेलेब्स भी खुशी से झूम रहे हैं और फिल्म की टीम को बधाइयां दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीच टाउन के बादशाह शाहरुख खान ने भी RRR की उपलब्धि पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की। शाहरुख खान ने ट्वीट कर RRR टीम को बधाई दी। किंग खान ने अपने ट्वीट में लिखा, सर अभी अभी उठे और गोल्डन ग्लोब में आपकी जीत का जश्न मनाते हुए नाटू नाटू पर नाचना शुरू कर दिया। अभी कई और अवार्ड्स आने हैं और भारत को इतना प्राउड कराना है। बता दें कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में RRR ने नाटू नाटू ने टेलर स्विफ्ट की कैलोरीना वेहर द क्वाइडिस सिंह, गिलमोर डेल टोरो के पिनोचियो से सियोप पापा, टॉप गन से लेडी गागा का होल माई हैंड, मेवरिक और रिहाना के लिफ्ट बी को भी पिछाड़कर एक जगह बनाई है और इतिहास रच दिया है। हालांकि फिल्म बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड लेने से चूक गई। लॉस एंजलिस में 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड में कई कैटेगरी में विनर्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। वहीं भारत से साउथ की फिल्म RRR ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में खिताब जीत लिया। फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में जीत हासिल हुई। और इसी बड़े अचीवमेंट के बीच SS राजमौली ने फिल्म के सीक्वल के बारे में भी बात की है और कंफर्म किया है कि उनके पास एक शानदार आइडिया है और वे इसे राइटिंग के प्रोसेस में हैं। 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड के रेड कार्पेट पर SS राजमौली ने RRR सीक्वल के बारे में बात की और ये भी कंफर्म किया कि वे स्क्रिप्ट लिखने की प्रक्रिया में हैं। राजमौली ने खुलासा किया कि जब फिल्म रिलीज हुई और उसे शानदार प्रतिक्रिया मिली तो हमने सीक्वल पर विचार किया। हमारे पास कुछ अच्छे आइडिया तो थे लेकिन प्रभावशाली नहीं थे। फिर वेस्ट में इसका स्वागत शुरू हुआ, जिसके बाद जब हमने अपने पिता और मेरे कजिन ब्रदर के साथ फिर से इस पर चर्चा की तो एक शानदार आइडिया आया और हमने फौरन लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक स्क्रिप्ट पूरी नहीं हो जाती हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में RRR के नाटू नाटू ने टेलर स्विफ्ट की कैरोलिना वेयर द क्वाइडिस सिंह और तमाम ऐसे लेडी गागा का होल्ड माई हैंड, मेवरिक और रिहाना के लिफ्ट मी को पछाड़कर विनर रच दिया है। और हालांकि फिल्म बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड लेने से चूक गए, लेकिन फिर भी भारत को इस पर गर्व है। वाकई होना भी चाहिए, साउथ ने इतनी दमदार फिल्में जो 2022 में दी हैं। बॉलीवुड के मेगा सुपरस्टार शाहरुख खान फिल्म पठान के जरिए कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 10 जनवरी को पठान का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया। आलम यह है कि शाहरुख की पठान का ये धांसू ट्रेलर हर किसी को काफी प्रभावित कर रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पठान के इस ट्रेलर की धूम मची हुई है। ऐसे में रिलीज के 24 घंटे बाद ही पठान के ट्रेलर ने यूट्यूब पर ताबड़तोड़ व्यूज से सनसनी मचा दी है। मंगलवार को सुबह 11 बजे यशराज फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पठान के ट्रेलर को रिलीज किया गया। ऐसे में रिलीज के साथ ही हर तरफ पठान के ट्रेलर की चर्चा होनी शुरू हो गई है। कई फिल्म क्रिटिक्स ने शाहरुख खान स्टारर पठान के ट्रेलर को लेकर पॉजिटिव रिव्यूज दिए। दूसरी ओर ऑडियंस ने भी पठान के ट्रेलर पर जमकर प्यार लुटा दिया है। आलम यह है कि मौजूदा समय में पठान का ट्रेलर यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि रिलीज के 24 घंटे बाद पठान के ट्रेलर ने यूट्यूब पर 27 मिलियन से ज्यादा व्यूज का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। साथ ही फिल्म के इस ट्रेलर पर अब तक 1.5 मिलियन लाइक्स भी आ चुके हैं। ऐसे में साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि रिलीज के एक दिन के अंदर ही पठान का ट्रेलर सुपर हिट हो गया है। शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान के ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसे में हर कोई पठान की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऐसे में पठान की रिलीज डेट की बात की जाए तो फिल्म आने वाली 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। शाहरुख खान के अलावा इस फिल्म में सुपरस्टार दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी लीड रोल में मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने एडवांस बुकिंग कर ही ली होगी और पूरा एकदम माइंडसेट कर लिया होगा कि आप 26 जनवरी से पहले पठान देख सकते हैं, क्योंकि इसमें देशभक्ति की भरमार देखी जा सकती है। और ऐसी मजेदार और मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड गपशप के साथ।